देहरादून में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की मांग को लेकर मरीजों के परिजनों ने शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय में हंगामा किया। विरोध बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। सीएमओ ने लोगों को समझाया कि अभी इंजेक्शन नहीं पहुंचे हैं, जैसे ही इंजेक्शन मिलेंगे ये अस्पतालों और मरीजों के परिजनों को नियमानुसार वितरित कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 1942 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 52 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 33,994 के पार पहुंच गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 3,25,425 के पार पहुंच गई है। वहीं बात करें जिलों की तो देहरादून जिले में 421, हरिद्वार में 295, नैनीताल में 204, उधम सिंह नगर में 167, टिहरी में 154, अल्मोड़ा में 132, चमोली में 103, पौड़ी में 93, बागेश्वर में 92, पिथौरागढ़ में 78, रुद्रप्रयाग में 77, उत्तरकाशी में 75 और चंपावत जिले में 51 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। बीते दिनों एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान के बाद अब बाबा रामदेव का एक और बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है कि एलोपैथी तो 200 साल पुराना बच्चा है, योग और आयुर्वेद से बीमारियों का स्थायी समाधान है। बाबा रामदेव के एलोपैथी विवाद के विरोध में शुक्रवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की और उनके विरोध में नारेबाजी की। जहां एक तरफ कोरोना काल में लोग दवाई एवं ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसे में पिथौरागढ़ जिले के डीडी हाट से एक सुखद खबर आई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल के आह्वान पर युवा मोर्चा मंडल महामंत्री गोकुल कन्याल मैडी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडी हाट में वैक्सीनेशन सेंटर में दूर दराज से आए लोगों और वैक्सीन लगा रहे कर्मचारियों को पानी की बोतलें वितरित की। साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने में मदद की। उत्तराखंड के शांत क्षेत्रों में ध्वनि के मानकों की सीमा के बाहर प्रेशर हॉर्न, लाउड स्पीकर बजाकर या अन्य वजहों से ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर जुर्माना लगेगा। पहली बार में नियम तोड़ने पर 1,000 से 20,000, दूसरी बार में 2,500 से 30,000 और तीसरी बार में 5,000 से 40,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए अनशन पर बैठे मौनी बाबा ने अब अन्य के साथ ही जल त्यागने का निर्णय लिया है। मौनी बाबा ने कहा कि यदि प्रशासन और देवस्थानम बोर्ड ने साधु संतों को बद्रीनाथ धाम के दर्शनों की अनुमति नहीं दी तो वे जल का त्याग कर देंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। राज्य के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय इलाकों में कई दिनों तक सामान्य रहने के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने लगा है। इसी क्रम में शुक्रवार देर रात देहरादून और हरिद्वार में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। अभी बारिश रुकी हुई है। राज्य के लगभग सभी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब है जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए।